लोग आए खाला के यहाँ पर, बच्चे लोग छुट्टी मनाने अपने नानी के घर आए हुए, खाना वाना हो गया हमारा। अब हम आपको दिखाते हैं इन लोगों की फरमाइशें हो रही है। अभी गुपचुप वाला इधर आया है, गुपचुप खिलाओ करके, दिखाते हैं हम आपको गुपचुप खिलाने। ये लोग बाहर निकल गए हैं गुपचुप खाने के लिए, अभी चॉकलेट लेकर दोनों भी खड़े हैं। वो देखो गुपचुप वाला इतनी दूर है, देख सकते हैं, और ये दोनों बाहर निकल गए। फाइनली गुपचुप वाले भैया आ गए। हमने यहाँ पर एक भेड़ और एक पापड़ी कचौरी चाट और गुपचुप का पैकेट का ऑर्डर कर दी, यहाँ पे बना रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। गाइस भेल बन रही है, गाइस भेल बन गई है, गाइस अब बन रही है कचौरी चाट। ये भैया का ठेला बोलते हैं, रोज आते हैं। अंदर चले गए, अब देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। खाना पीना तो शुरू हो गया होगा, ये रहे भैया पीछे में, अब हम अंदर दिखाते हैं अंदर जाने का रास्ता। खाला क्या का ये घर तो आप पहले देख चुके हैं वैसे। यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है पानी पूरी पार्टी। टेस्ट करते हैं गाइस, वांजी रखते हैं। अच्छी आपने आगे जाते थे, अच्छे रहे। बदमाश बच्चे मैच बना रहे हैं गुपचुप, सबकी पार्टी चल रही है। खाला उधर बैठे हैं, ये हमारा कजनी बच्चा, चखते हैं, सॉरी कचरी चाट करते हैं कैसी है ये। डाइट हमारी पूरी खराब हो गई है, लेकिन हम खा लेते हैं। ये भी खा रहे हैं गुपचुप, बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। आज हम खा रहे हैं ऑल द बेस्ट, हमारा गुपचुप में डाल दिया, अब इसको हम डुबाते हैं इसमें। बहुत टेस्टी है, देखो गाइस ये खा रहे हैं भेल, बहुत डेस्परेट है खाने में। A few moments later. देखो गाइस ये रो रहा है, देखो देखो गाइस ये रो रहा है, ये हो यही हो, ये लड़कियों के जैसा रो रहा है चीनी लड़का। ये पगली का पगला बना चालू है। टेरिस पे जाते हैं, टेरिस का जरा आपको व्यू दिखाते हैं, कितना पीसफुल और कितना ज्यादा साइलेंट लगता है यहाँ पर आके, एकदम शांति ही शांति है यहाँ पर। बस जरा अभी हमारे बच्चे आए हुए छुट्टी बनाने को, तो बहुत शोर मचा के रखे, मगर काफी शांति है अभी। ये एक को लेके जा रहे हैं हम ऊपर में, देख सकते हैं ऊपर जाएंगे। चलो गाइस ऊपर जाते हैं जरा, ये टकला लड़का जो है ये जुहान है। पहुंच गए हैं, हम दरवाजे को ओपन करते हैं। ये देख सकते हैं व्यू वांजरा का, कितना पीसफुल है और कितना खूबसूरत मौसम है गाइस। देखो क्लाउड देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, पूरा मानसून का बना हुआ है, लेकिन मानसून अभी आएगा नहीं क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश आके जा चुकी है, मगर व्यू देखो आप कितना खूबसूरत है। देखो कितनी प्यारी हवा चल रही गाइस, कितना गजब लग रहा है, वेदर बहुत ही अच्छा है। नकल मार रहा है, देख सकते हैं आप पीछे, देख पीछे देख पीछे देख। ये देखो यहाँ पर ये धुआं निकल रहा है, क्या आता तो भी है ये पता नहीं मुझे। व्यू देखो आप गाइस, यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, 8 किलोमीटर पे कितना अच्छा लगता है गाइस, थोड़ा सा आउटलेट आकर देख सकते हैं आप। क्लाउड कितने गजब है आज के मौसम में, बहुत अच्छा मौसम है। जोहान नकलची नकल मार रहा है, अभी देखे आपने इतना बड़ा कांड हुआ है जोहान के साथ, टपक से गिरा जोहान। ये भरने की वजह से पूरे टापू बन चुके पानी के, यहाँ ज्यादातर कारखाने देख सकते हैं आप, मगर मौसम बहुत गजब है, बहुत ही सुहाना मौसम है। बादल तो बहुत ही प्यारे है, देख सकते है कितने ही प्यारे बादल है गाइस। बहुत अच्छा वेदर है, मौसम बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आप, हवा बहुत अच्छी चल रही है और काफ़ी ही पीस है यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा है।
काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ मैं, पूरे पूरे 3 महीने के बाद आया हूँ भाई जी। देख सकते हैं आप तो क्लाउड्स तो आप देखो कितने ही प्यारे लग रहे हैं। नेक्स्ट डे गाइज हम आ गए हैं क्रॉकरी लेने के लिए इस शॉप में। गाइज हम आ गए हैं तिंगनल चौक पे, ये शॉप है, यहाँ पर हम आए हैं डिनर सेट लेने के लिए। एक डिनर सेट लेना है रोमेशा को देने के लिए और एक डिनर सेट ले रहे हैं हम अपने घर के लिए। तो हम आ गए यहाँ पर, ये शॉप आपने हमारे पहले भी ब्लॉग में देख चुके होंगे, लेकिन अभी हम आए हैं यहाँ पर डिनर सेट लेने के लिए। सबसे पहले हमने आपको दिखा दी कुछ क्रॉकरीज रखी हुई थी जो कि थे कप सासर वगैरह, हम अंदर जा रहे थे तो सबसे पहले हमने आपको ये दिखाया। फिर यहाँ पर ग्लासेस रखे थे, आपको पता है ग्लासेस में तो हमारी जान बसती, तो हमने सबसे पहले ग्लासेस को कैप्चर किया। बहुत ही प्यारे प्यारे ग्लासेस और कप्स वगैरह रखे हुए थे यहाँ पे, देख सकते हैं। वाइन ग्लास में पिछले 4 साल से देख रहा हूँ लेकिन मैं अभी तक ऐसे खरीद नहीं सका, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो वाइन ग्लास। हम आगे बढ़े तो देख सकते हैं यहाँ पे इतने ही स्टाइलिश और इतने ही खूबसूरत कप्स वगैरह रखे थे। जो डिनर सेट दिखाना भी चालू था, यहाँ पे डिनर सेट्स रखे हुए भी थे। गाइस हम लोग आए हैं यहाँ पे क्रॉकरी लेने के लिए घर के लिए, देख सकते हैं आप पूरी क्रॉकरी यहाँ पर, यहाँ पे पूरे डिनर सेट रखे हुए। यहाँ पर ये दीदी हमें यहाँ पे डिनर सेट दिखा रहे थे खोल खोल कर, उन्होंने कुछ सैंपल निकाल के रखे थे कि मैं यहाँ पे सब सैंपल रख रही हूँ, आप इसमें से देखिए ये सब डिज़ाइन है करके। गाइस हम सब आए हैं देख सकते हैं आप शॉपिंग के लिए क्रॉकरी की, आपको भी ले लेते हैं इन लोग के साथ में। गाइस यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन है, कॉफ़ी मग्स बोलो या चाय मग्स बोलो, बहुत प्यारे प्यारे लगे हुए थे तो हमने ये सब अपना कैप्चर किया। बहुत ही प्यारे प्यारे स्टाइलिश जार्स रखे हुए थे, कप्स रखे हुए थे, मग्स रखे हुए थे, काफ़ी ही क्यूट और बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सब देख कर। मुझे वैसे भी ग्लासेस और कांच का बहुत ज़्यादा शौक है तो मैंने ये सब चेक करवाया आपको। उसके बाद में यहाँ कप सासर के सेट रखे हुए थे जो कि 2300, 2800, 1500, 2200 ऐसे अलग अलग रेट में थे, काफ़ी ही खूबसूरत खूबसूरत और काफ़ी स्टाइलिश। गाइस कप की डिज़ाइन देखिए ये कितना खूबसूरत है गाइस, मगर ये बहुत कॉस्टली है, 2300 रुपये के गाइस, ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत है, आपको पता है मुझ मेरी जान बसती है ग्लासेस में। इसका शेप देखो कितना खूबसूरत है, इसका शेप वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। रेड कलर का भी देखिए कितना प्यारा है, लेकिन ये सब बहुत कॉस्टली है गाइस, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। ये भी देखिए जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ये भी देखो ये 1500 कुछ का है। और भी बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन थे, बहुत ही प्यारे प्यारे मार्क्स थे, मुझे ज़्यादा पसंद आए ये सब, बहुत ही प्यारे और स्टाइलिश लग रहे थे, तो मैंने आप लोगों को ये सब भी चेक करवाया और दिखाया कि देख सकते हैं कितने खूबसूरत माल होता है इनके यहाँ पर, कितना प्यारा है गाइस। वाओ गाइस प्लेटर सेट देख सकते हैं गाइज, हमारे कप वगैरह देखे तक का इन लोगों ने डिनर सेट पसंद कर लिए। एक डिनर सेट आला हमने अपने घर के लिए लिए, ये दीदी चेक करके दे रहे सब चीज़ सही है कि नहीं, देख सकते आप लोग। हमने ले लिए 2 डिनर सेट, दिखाएंगे आपको बाद में, हमारा लेकर हो गया, अब यहाँ से बिलिंग करेंगे और फिर हम ऐसे निकलेंगे। अंदर देख देख के हंस रहा है निकू आप मेरे पहले के ब्लॉग में भी इनको देख चुके हैं वैसे अंगूठी वाले। ये लोग सेकेंड डिनर सेट देख रहे थे सब सामान सही है क्या नहीं, उसके अंदर तो रोमेशा को ऊपर में कबर्ड्स दिख गए, तो हम लोग ऊपर चले गए कबर्ड्स देखने के लिए, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। सेकंड फ्लोर पे भी बहुत सारा माल है, कबर्ड देख के लो नीचे है, तो यहाँ पे कुछ जार्स रखे थे ऑयल वगैरह के, कुछ बर्नी वगैरह की थी, ये सब हमने अपने आप को कैप्चर किया साथ ही में। मिलते हैं हम गाइज आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में।